ओके, तो इस वाले मिथ में हम लोग हेलीकॉप्टर के अंदर जाने के बाद उसके अंदर के पार्ट देख सकते हैं गाइस। हेलीकॉप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं लेकिन बहुत सारे बटन्स और स्पीड मीटर दिए हैं गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ मिथ्स लेने वाले, लेकिन उससे पहले हम लोग जितने भी हमारे गेम के अंदर कार से गाड़ियां है बड़ी बड़ी, उन सब के अंदर जाके उनके पार्ट देखेंगे कितने स्पीड मीटर या फिर क्या कुछ लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अभी भाई लोग हम लोग ट्रेन के अंदर जाकर ट्रेन के अंदर का इंटीरियर देखने वाले हैं गाइस। देखते हैं कैसा दिखता है। ओ भाई, ये तो काफी ज्यादा गजब लग रहा है। एक और ट्रिक की मदद से हम लोग ट्रेन के अंदर जा सकते हैं, उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है तो आप लोग जाकर देख लेना। लेकिन गाइस हम लोग अभी ट्रेन प्लेन के अंदर जाकर देखते है। प्लेन के अंदर काफी ज्यादा मीटर्स लगे हुए है, काफी ज्यादा बटन भी लगे हुए है। वैसे गाइस प्लेन के अंदर का इंटीरियर काफी ज्यादा मस्त तो लग रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर की हम लोग सीट चेक करेंगे भाई, कितने मतलब सीट है और कितने जन बैठ सकते हैं। यहाँ पर पीछे साइड में एक ही सीट है और आगे दो सीट है, मतलब तीन लोग टोटल बैठ सकते हैं प्लेन में गाइस। तो नेक्स्ट हमारी थार आती है, थार के अंदर हम लोग जाकर देखेंगे क्या कुछ है इंटीरियर में। यहाँ पर तो गाइस स्टीयरिंग वेरिंग मीटर वीटर, यहाँ पर तो तीन तीन कैमरे लगे है। अभी तो यहाँ पर दो ही कैमरे दिख रहे हैं, लेकिन अभी तीसरा कैमरा भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखते हैं हम लोग कैमरा देखते हैं। हाँ ये देखो भाई, साइड में मतलब दाएं साइड में हमारे कैमरा लगा हुआ है। वैसे थार बाहर से तो अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से उतनी खास नहीं है। अभी गाइस हम लोग फॉर्च्यूनर के अंदर जाकर उसके अंदर का इंटीरियर देखते हैं। और यहाँ पर तो म्यूजिक सिस्टम है भाई, कॉल करने का सिस्टम है भाई, काफी ज्यादा बढ़िया है ये वाला तो। और यहाँ पर सीट भी काफी ज्यादा बड़ी वाली है, स्टीयरिंग वेरिंग काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ। बाकी अभी हम लोग सबकी फेवरेट भाई मस्टैंग जीटी को हम लोग देखते हैं अंदर का व्यू मस्टैंग जीटी के। तो चलिए अंदर का व्यू देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कैमरा एंगल जैसे ही चेंज करेंगे तो भाई देखो यार कितना गजब है यार मस्टैंग जीटी का व्यू। देखो यार यहाँ पर दो सीट रखी हुई है और मतलब स्टीयरिंग वेरिंग बहुत गजब है यार, मतलब मस्टैंग जीटी के अंदर काफी ज्यादा गजब है। तो चलिए गाइस अभी मैं आप लोगों को ग्लिच कैसा करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके गाइस, ग्लिच करना काफी ज्यादा आसान है। आप लोगों को कोई भी बाइक बुलाने के बाद ट्रेन के सामने लेकर आ जाना है, जैसे मैंने लगाई है। और दोनों में हम लोग का एक साथ में बैठे का ऑप्शन आने के बाद दोनों में एक साथ में बैठ जाना है। तो देखो यार हमारा कैरेक्टर कितना ज्यादा लंबा हो जाएगा। जब तक गाइस आपका कैरेक्टर इस वाले पोजीशन में नहीं बैठ जाता तब तक आप लोगों को उतरना है, नीचे बैठ जाना है, मतलब उतरते वेट करना है अपने ट्रेन के और बाइक के अंदर। फिर आपका कैरेक्टर कुछ इस टाइप से मतलब कार के अंदर जा पाएगा, कहीं पर भी जा पाएगा। अगर गाइस आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप लोग एक बार रिवर्स करके वीडियो को देख लो। आप लोगों को ट्रेन के अंदर बैठते जाना है, मतलब ट्रेन और बाइक के अंदर उतरते जाना है, तो आप लोगों का एक ग्लिच लग जाएगा। आप लोगों को दो तीन बार ट्राई करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर से सेट कर देना। और कोई मिथ या फिर ग्लिच अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो। गाइस सारी गाड़ी के हम लोग अंदर जाकर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट हमें चाहिए, मैं आप लोगों को एक और वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें हम सारी गाड़ी के अंदर जाकर देखेंगे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।